हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्पेक्ट टायर माउंटन मोबाइल क्रेन आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे करें के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यदि आप मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे करें के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें इसे स्किप करके ना देखें यदि आप क्रेन के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो क्रेन से रिलेटेड हमारा अन्य वीडियो टाइप्स ऑफ क्रेन आर्ट्स ऑफ मोबाइल किरेन जरूर देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है ट्रेनिंग कंटेंट। आज के ट्रेनिंग के दौरान हम जानेंगे मोबाइल क्रेन के विषय में रिगिंग एंड लिफ्टिंग के लिए टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन का प्रयोग क्यों करें इससे क्या फायदा है इससे क्या बेनिफिट्स है इसके क्या एडवांटेज है उसके विषय में टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे करें उसके विषय में मोबाइल क्रेन केबल कंट्रोल्ड क्रेन होता है जो क्राउलर या रबर टायर कैरियर के साथ अटैच होता है या हाइड्रोलिक पावर क्रेन विथ टेलीस्कोपिक बूम होता है जो ट्रक टाइप कैरियर के साथ अटैच होता है टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन एक जगह से दूसरे जगह आसानी से मूव करने के लिए डिजाइन होता है 1970 से पहले सभी क्रेन एक जगह पे फिक्स होते थे लेकिन उस समय भी कुछ क्रेन फ्लैट क्रेन फ्लैट कार्स पे फिक्स होते थे लेकिन उनका मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड होता था सन 1867 में पेरिस तथा 1873 में वियना में एप्पल बाई ब्रदर्स ने एस्टीम पावर्ड क्रेन का डेमोस्ट्रेशन किया था सन 1922 में एप्पल बाई के का मैनेजर हेनरी कोल्स ने पेट्रोल इलेक्ट्रिक लॉरी क्रेन के नाम से ट्रक माउंटेड क्रेन का प्रोडक्शन शुरू किया सन 1947 में हियाबिया ने हाइड्रोलिक इंडस्ट्री ए ने दुनिया का पहला हाइड्रोलिक ट्रक माउंटेड क्रेन बनाया एडवांटेज टू यूज टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन अब हम टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन के प्रयोग करने के क्या क्या एडवांटेज हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे मोबाइल क्रेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तथा स्पेस को बचाता है यानी कम स्पेस में भी इसे फिक्स तथा ऑपरेट किया जा सकता है इसको जल्दी सेटअप किया जा सकता है इससे हमें हाई लेवल का स्ट्रेंथ मिलता है मोबाइल क्रेन कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स अब हमें क्रेन के इंस्पेक्शन के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए या किन किन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हमें क्रेन के आरसी बुक तथा रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करना चाहिए हमें टायर बाउंटेड मोबाइल क्रेन के पी सर्टिफिकेट तथा उसके वैलिडिटी को चेक करना चाहिए क्रेन के फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक करना चाहिए क्रेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए क्रेन के लोड चार्ट को चेक करनी चाहिए कि क्रेन के साथ लोड चार्ट है या नहीं यदि है तो क्या वह लोड चार्ट उसी क्रेन का है या सेम कैपेसिटी के किसी दूसरे क्रेन का लोड चार्ट इसी क्रेन का है या किसी दूसरे क्रेन का ये कैसे चेक करें इसके विषय में यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा आने वाला वीडियो हाउ टू कंडक्ट लोड टेस्ट ऑफ अ क्रेन को देखें यदि इसके विषय में हमें यहाँ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा इंस्पेक्शन ऑफ मोबाइल क्रेन टायर माउंटेड मोबाइल क्रेन का इंस्पेक्शन करने के समय हमें सबसे पहले क्रेन के व्हील यानी टायर को इंस्पेक्ट करनी चाहिए कि टायर का कंडीशन ठीक है या नहीं उसके बाद हमें क्रेन के कैरियर्स केबिन का इंस्पेक्शन करना चाहिए कैरियर केबिन का इंस्पेक्शन करने के समय हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स को कंसीडर करनी चाहिए या चेक करनी चाहिए कंडीशन ऑफ कैरियर केबिन यानी कैरियर केबिन का कंडीशन कैसा है कंडीशन एंड फंक्शन ऑफ विंडशील्ड एंड वीपर कंडीशन एंड फंक्शन ऑफ हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर हैंड होल्ड्स एंड स्टेप कंडीशन एंड फंक्शन ऑफ सर्विस ब्रेक एंड हैंड या पार्किंग ब्रेक फंक्शन ऑफ मेन हॉर्न एंड रिवर्स हॉर्न फर्स्ट एड बॉक्स तथा फाइ इंस्ट गुजर अवेलेबल है या नहीं यदि है तो उसका क्या कंडीशन है तथा फर्स्ट एड के अंदर सभी कॉन्टेंट्स है या नहीं आउट रिगर आउट ट्रिगर का क्या कंडीशन है वह प्रोपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं आउट रिगर के अंदर के हाइड्रोलिक होस क्या कंडीशन है वे डैमेज तो नहीं है या कहीं हाइड्रोलिक आयल लीकेजटर का स्ट्रक्चर कहीं डैमेज या क्रैक तो या या नहीं है क्या यह आउट्रिगर पैड इसके सिलेंडर के साथ प्रॉपरली फिक्स हो रहा है या नहीं वर्टिकल जैक वर्टिकल जैक का कंडीशन क्या है कहीं ये बेंड या ट्विस्ट या डैमेज या क्रैक तो नहीं है यह प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है या नहीं इसका हाइड्रोलिक सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं आउट रिगर लिप्ट सिलेंडर आउट रिगर लिप्ट सिलेंडर कहीं डैमेज या क्रैक तो नहीं है या इसके ऊपर हाइड्रोलिक आय लीकेज तो नहीं हो रहा है ऑपरेटर केबिन ऑपरेटर केबिन का इंस्पेक्शन करने के समय हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स को चेक करनी चाहिए ऑपरेटर केबिन का कंडीशन क्या है विंडशील्ड्स एंड वीपर सही से काम कर रहे हैं या नहीं ऑपरेटर कैबिन में चढ़ने या उतरने के लिए दिए गए हैंड होल्स तथा स्टेप्स का कंडीशन क्या है स्विंग ब्रेक तथा स्विंग अलार्म काम कर रहा है या नहीं कंट्रोल पैनल का क्या कंडीशन है उसके सभी स्विच एंड फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं स्विंग मेकानिज्म तथा उसका लॉक सही से काम कर रहा है या नहीं उस क्रेन का लोड चार्ट केबिन के अंदर डिस्प्ले किया गया है या नहीं एसएलआई सेफ लोड इंडिकेटर के सभी फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं एस एल आई क्रेन के साथ कैलिब्रेटेड है या नहीं कहीं एस एल आई क्रेन के फिजिकल फंक्शन में वेरिएशन तो नहीं है यदि आप एस एल आई तथा क्रेन के फिजिकल वेरिएशन को कैसे चेक करें उसके विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा आने वाला वीडियो हाउ टू कंडक्ट लोड टेस्ट ऑफ अ क्रेन जरूर देखें यदि हम इस वीडियो में एस एल आई तथा क्रेन के फिजिकल वेरिएशन को कैसे चेक करें उसके विषय हमें डिस्कस करेंगे तो हमारा ये वीडियो या हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा बूम क्रेन के बूम को इंस्पेक्ट करने के समय हमें यह देखना चाहिए कि कहीं क्रेन का बूम बैंड ट्विस्ट या क्रैक तो नहीं है तथा तो इसका फंक्शन सही से काम कर रहा है नहीं. या नहीं बूम होइस्ट या लिफ्ट सिलेंडर बूम होइस्ट या लिफ्ट सिलेंडर के इंस्पेक्शन के समय हमें यह देखना चाहिए कि कहीं कोई हाइड्रोलिक आयल तो लीक नहीं हो रहा है या आयल सील डैमेज तो नहीं है या कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं है मेन हुइस्ट विंच मेन हुइस्ट विंच का इंस्पेक्शन करने के समय हमें यह चेक करना चाहिए कि विंच का फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं विंच का कोई भी पार्ट डैमेज या क्रेक या डिफेक्टिव तो नहीं है एक्जिलरी विंच का इंस्पेक्शन भी हमें मेन विंच की तरह ही करना चाहिए तथा तो हमें यह देखना चाहिए कि दोनों विंच का ड्रम का कंडीशन क्या है कहीं ड्रम डैमेज या क्रैक या वॉन तो नहीं है मेन बोम हेड मेन बोम हेड को चेक करने के समय यह इंश्योर करना चाहिए कि कहीं यह डैमेज डिफॉर्म या क्रैक तो नहीं है मेन होइस्ट एंड होइस्ट क्रेन होइस्ट का इंस्पेक्शन करने के समय हमें यह चेक करना चाहिए कि कहीं ब्रोकन वायर तो नहीं है अब्रेशन एंड क्रस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आर्क एंड एविडेंस ऑफ हिट डैमेज बर्ड केज एंड किक फॉर्मेशन डायमीटर रिडक्शन क्रोजन लेंथ ऑफ होइस्ट एंड नंबर ऑफ हॉल मेन हुक एंड एक्जरी हुक हुक का इंस्पेक्शन करने के समय इसका फ्री रोटेशन क्रैक डैमेज या डिफॉर्मेशन चेक करना चाहिए हुक लैच हुक लैच वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए तथा तो डैमेज फ्री होनी चाहिए हुक स्लिप्स हुक स्लिप्स फ्री रोटेशन तथा डैमेज फ्री होना चाहिए एंटी ट्यूब लॉक या हॉइश लिमिट स्विच होइश लिमिट स्विच वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए तथा कभी भी बाईपास नहीं होना चाहिए एंटी स्विंग डिवाइस एंटी स्विंग डिवाइस फ्री फ्रॉम डैमेज एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए स्विंग मोटर एंड गेयर स्विंग मोटर एंड गेयर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए साइन एच क्रेन पे जरूरी साइनेच डिस्प्ले होना चाहिए तथा ऑपरेशन के दौरान उनका पालन किया जाना चाहिए गार्ड्स ऑफ मूविंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स मूविंग तथा रोटेटिंग पार्ट्स के ऊपर गार्ड फिक्स होना चाहिए अदर पॉइंट्स टू बी इंस्पेक्टेड बूम लिमिट स्विच बूम एंगल इंडिकेटर ओवरलोड ऑटो कट ऑफ मेकानिज्म नंबर ऑफ वायर ऑफ फॉल्स होश ड्रम हाइड्रोलिक सिस्टम न्यूमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड बैटरी कंडीशन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहिए तो हमें वो भी कमेंट में लिखें हम उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे इस वीडियो को शेयर करना न भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट